नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द इन्वेस्टमेंट गुरुजी चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी के बारे में। कंपनी ने यहाँ पे डिविडेंड का ऐलान किया है, एज वेल एज कंपनी के क्वार्टर थ्री के नतीजे आए, तो डिटेल में ये दोनों डिस्कस करेंगे। इसी के साथ कंपनी का फंडामेंटल और शॉर्ट टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, जिसकी मदद से हम लोग देखेंगे कि कौन से लेवल बेस्ट होगी जहाँ पे हम लोग स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल डिविडेंड की न्यूज देख ले, तो सेकंड इंटरिम डिविडेंड आ चुका है, जहाँ पे कंपनी ने ₹1 का यहाँ पे डिविडेंड दिया है। दोस्तों, अभी सीधे सीधे आ जाते हैं कंपनी के रिजल्ट पेज पे। यहाँ पे आपको रिजल्ट पेज पे ले चलता हूँ। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कंपनी के यहाँ पे कंसोलिडेटेड रिजल्ट देख रहे हैं और सारी वैल्यूज रुपीजन लैक्स में दी गई है। अगर हम लोग कॉलम वाइज देखें तो ये कॉलम क्वार्टर थ्री के नतीजे, ये पिछले क्वार्टर के नतीजे क्वार्टर टू के, और ये नतीजों के कॉलम देखें तो ये पिछले ईयर के क्वार्टर थ्री के नतीजे हैं। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल इनकम को देख लें यहाँ पे हम लोग, तो टोटल इनकम यहाँ पे रहा है 1,187 करोड़, यहाँ पे लैक्स में दी गई, लेकिन मैं करोड़ में बात कर रहा हूँ। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये हो चुका है 2,376 करोड़। दोस्तों, सीधा सीधा यहाँ पे 100% का जंप हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो एक शानदार नतीजे कंपनी के यहाँ पे बढ़े हैं और क्वार्टरली बेसिस पे भी एक शानदार नतीजे कंपनी के बढ़े हैं। तो दोस्तों, ओवरऑल देखा जाए तो इनकम कंपनी का क्वार्टरली और ईयरली दोनों बेसिस पे बढ़ा है। कंपनी के एक्सपेंस की बात कर ले दोस्तों, तो एक्सपेंस था 9,977 करोड़। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो वो हो चुका है 1,508 करोड़। तो दोस्तों, यहाँ पे भी कंपनी का इंक्रीमेंट हुआ है। दोस्तों, ये इंक्रीमेंट क्यों हुआ है एक्सपेंस बढ़ने का, तो ये दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग रीजन देखें तो इस टाइप की कंपनी का अगर इनकम बढ़ता है तो उसका सीधा सीधा परिणाम पॉइंट ए पे होता है, जो है आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। तो दोस्तों, कॉस्ट ऑफ मटेरियल इनकम बढ़ेगा तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल भी कंज्यूम होगा, जिसका सीधा सीधा परिणाम हम लोग कंपनी के एक्सपेंस बढ़ते हुए देख सकते हैं। दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पे कंपनी के इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ जाए, जहाँ पे आप लोग ये 9 पॉइंट देख पा रहे हो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो यहाँ पे आप चौंक जाओगे, क्योंकि यहाँ पे पिछले ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी का जो है नेट प्रॉफिट था 169 करोड़, और यहाँ पे लगभग मल्टीफोल्ड ये बढ़ा है, ये हो चुका है 772 करोड़। तो यहाँ पे अच्छा खासा कंपनी का यहाँ पे जो है नेट प्रॉफिट बढ़ा है। दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पे कंपनी के अगर हम लोग अर्निंग पर शेयर पे आ जाए, तो अर्निंग पर शेयर हम लोग देख सकते हैं 4.74 था और अभी है 21, तो ऑलमोस्ट 5 to 6 times यहाँ पे जो है कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है, तो एक धमाकेदार नतीजे कंपनी ने अभी जो है यहाँ पे पेश किए हैं। दोस्तों, आज जिस कंपनी की हम लोग बात करने वाले, एक धमाकेदार कंपनी है, करंट प्राइस चल रही है कंपनी की ₹1,000 के आसपास। अगर हम लोग आरती इंडस्ट्रीज का यहाँ पे पिछले 6 महीने का रिटर्न देखें, तो 6 महीने में स्टॉक ने रिटर्न दिया है 6%। पिछले 1 साल की स्टॉक की बात करें तो 1 साल में स्टॉक ने रिटर्न दिया है 70%। पिछले 5 साल की बात करें तो 5 साल में स्टॉक ने रिटर्न है 414%। दोस्तों, यानी कि हर साल कंपनी यहाँ पे जो है 80% के आसपास से ग्रो कर रही है। और मैक्स की बात करोगे दोस्तों, तो मैक्स देख के आप चौंक जाओगे, क्योंकि कंपनी ने ऑलमोस्ट 89,546% रिटर्न दिया है। दोस्तों, इसका मतलब है अगर हम लोग पिछले जो है 20-22 साल पहले अगर हम लोग 10,000 इन्वेस्ट करते हैं, तो आज उसकी वैल्यू 10,000 की वैल्यू 8,905 times यहाँ पे पड़ जाती। तो एक धमाकेदार कंपनी है और बहुत ही शानदार अब तक स्टॉक ने रिटर्न दिया है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अब तक द इन्वेस्टमेंट गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका हर एक सब्सक्राइब, आपका हर एक लाइक, आपका हर एक कमेंट हमारा कॉन्फिडेंस मोटिवेशन बढ़ाता है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कंपनी के जो है यहाँ पे टेक्निकल्स के बारे में बात करने से पहले, नंबर्स के बारे में बात करने से पहले, कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पे हम लोग आ चुके हैं, जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कंपनी ने 1984 से यहाँ पे कंपनी की जो है स्थापना हुई थी, और तब से कंपनी के दो मेन बिजनेस है केमिकल और फार्मास्यूटिकल। तो दोनों में अच्छा खासा कंपनी का योगदान रहा है। बहुत सारी कंपनियों को जो है यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ईयर वाइज हर एक ईयर में कंपनी ने कुछ ना कुछ यहाँ पे जो है डेवलपमेंट किया है, कुछ ना कुछ यहाँ पे रिसर्च किया है, अपने यूनिट बढ़ाए या फिर किसी का एक्विजिशन किया है। दोस्तों, मैं शॉर्ट में अगर हम लोग यहाँ पे स्पेशलिटी केमिकल की बात कर रहे, दोस्तों जैसे गाड़ी में ऑयल यूज होता है, पेट्रोल यूज होता है, या फिर पेंट्स, जो भी पेंट्स, एशियन पेंट्स या उस तरह की कंपनी है जिसमें पेंट्स करने में लगता है, फार्मा में लगता है, तो इस तरह के ढेर सारे इंडस्ट्री में दोस्तों स्पेशलिटी केमिकल यूज होता है, और इनका जो है ये प्रोडक्ट है तो वो यूज होता है। जैसे मैंने कहा केमिकल और फार्मा, तो दो बिजनेस में ये काम काज करती है। अगर हम लोग केमिकल्स में चले जाए दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ढेर सारी लिस्ट है, आप किसी भी नाम को ओपन करके देख लोगे तो वहां पे बहुत सारे मटेरियल्स है दोस्तों। तो दोस्तों समझ सकते हो, ढेर सारी बहुत बड़ी यहाँ पे जायंट कंपनी है, जहाँ पे इनके जो स्पेसिफिक जो केमिकल्स है वो एक टॉप नॉच केमिकल बनाती है, एज वेल एज यहाँ पे कंपनी की यहाँ पे जो डिमांड है बहुत अच्छी यहाँ पे पिछले कई सालों से रही है।
दोस्तों चलिए बात करते हैं कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स के बारे में। 36,356 करोड़ की मार्केट कैप है, तो यहाँ पे एक लार्ज कैप कंपनी नजर आ रही है। करंट मार्केट कैप चल रही है 1,000 रुपए के आसपास। यहाँ पे आप देखोगे लगभग यहाँ पे पिछले एक साल का आज के डेट से भी कंपेयर करें तो लगभग 100% से ज्यादा रिटर्न कंपनी ने ऑलरेडी दे चुकी है। और पिछले 5 साल का एवरेज रिटर्न देखें तो 70 to 80% रिटर्न कंपनी ने हर साल दिया है, अगर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट से भी कैलकुलेट करें तो। दोस्तों रिटर्न के मामले में एक धमाकेदार कंपनी है। अगर हम लोग स्टॉक के पी की बात करें तो 56 पे चल रहा है। इंडस्ट्री भी से थोड़े महंगे दामों में कंपनी कामकाज कर रही है, नो डाउट। लेकिन दोस्तों कंपनी की वैल्यू अच्छी, कंपनी के यहाँ पे जो है प्रोडक्ट्स अच्छे हैं। अगर हम लोग यहाँ पे कंपनी की डेप्थ देखें तो 1,950 करोड़ है, तो एक मामूली सी कंपनी के ऊपर डेप्थ है। कोई भी स्टॉक प्रमोटर का प्लेज नहीं है। ग्राहम का इंपॉर्टेंट नंबर देख ले तो यह 237 रुपीज, लेकिन इसके अगर हम लोग देखें तो 5 टाइम्स मल्टीपल पे कंपनी कामकाज कर रही है। लेकिन दोस्तों इस टाइप की कंपनी हमेशा हमें प्रीमियम पे मिलती है। दोस्तों चलिए बात करते हैं कंपनी के चार्ट पैटर्न की। दोस्तों यहाँ पे आरती इंडस्ट्री का चार्ट देखोगे, धमाकेदार रिटर्न दिया, कंसिस्टेंटली कंपनी ऊपर जा रही है। कभी यहाँ पे लॉ जो है बहुत ज्यादा डिप नहीं है, और आई भी है तो खुद को रिकवर बहुत जल्दी किया। जैसे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जब मार्केट क्रैश हुआ था कोरोना की वजह से तो यहाँ पे स्टॉक गिरा था, लेकिन खुद को इमिडिएटली यहाँ पे स्टॉक ने रिकवर कर लिया। तो दोस्तों बड़ी जो जायंट कंपनियां होती है, जैसे कि ये कंपनी 1,000 रुपीज के प्राइस पे मिल रही है, लेकिन दोस्तों इस टाइप की कंपनियां की वैल्यूज भी उतनी है। तो इस कंपनी की कंपनी का जो है यहाँ पे रिटर्न भी बहुत ही कंसिस्टेंटली ऐसी कंपनियां दे देती है। दोस्तों चार्ट पैटर्न से अगर हम लोग देखें तो एक बहुत ही अच्छा कन्विक्शन आ रहा है, क्योंकि कंसिस्टेंटली चार्ट जो है स्टॉक ऊपर यहाँ पे जा रहा है। चलिए दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं स्टॉक के इंपॉर्टेंट प्राइस की, जहाँ पे हम लोग स्टॉक में निवेश करने के लिए सोच सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप 3 लाइन देख पा रहे हो। पहली जो लाइन है ये ब्लैक लाइन है, जो है ये 200 दिन का मूविंग एवरेज है। उसी तरह से ये जो रेड लाइन देख रहे हो वो 100 दिन का मूविंग एवरेज है, और येलो लाइन देख रहे हो वो 50 दिन का मूविंग एवरेज है। दोस्तों हमेशा अगर आप देखोगे तो एक अच्छी लेवल होती है जहाँ पे 100 दिन के आसपास कंपनी यहाँ पे मिलती है। दोस्तों करंट प्राइस की बात करो तो लगभग उसी लेवल के आसपास हमें कंपनी देखने को मिल रही है। यहाँ पे अगर हम लोग इस कंपनी की पिछले 100 दिन का मूविंग एवरेज देखे जो निकल के आ रहा है 991 पे, और यहाँ पे अगर हम लोग इसका 50 दिन का मूविंग एवरेज देखे तो निकल के आ रहा है 998 पे, और कंपनी का प्राइस चल रहा है 1,000 रुपीज। दोस्तों अगर आप यहाँ पे लंबे टाइम के लिए निवेश करने के लिए सोच रहे हो, जहाँ पे आपको कम से कम 5 साल पैसा लगाने के लिए देखना है, 3 से 5 साल, दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छा खासा मौका है, जहाँ पे आप कंपनी यहाँ पे उसके 100 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास प्राइस करते हुए ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों इसी तरह से अगर आप वेट करना चाहते हो स्टॉक के गिरने का, तो अगर ये स्टॉक 933 के आसपास आता है, जहाँ पे बहुत ही अच्छा यहाँ पे जोन है जहाँ पे स्टॉक का 200 दिन का मूविंग एवरेज है, तो वहां पे आप स्टॉक को लेने के लिए सोच सकते हो। लेकिन जैसे हम लोग देख सकते हैं दोस्तों, जब मार्केट क्रैश हुआ था उसके आसपास ही ये स्टॉक उसके 200 दिन के मूविंग एवरेज आया था। तब से यानी कि पिछले 1.5 साल से कभी ये स्टॉक इसके 200 दिन के मूविंग एवरेज नहीं आया, तो 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे आएगा नहीं आएगा नॉट श्योर। लेकिन दोस्तों इस टाइप की लेवल पे जहां पे कंपनी 1,000 रुपए के आसपास मिल रही है, उस लेवल पे डेफिनेटली स्टॉक को हमें पोर्टफोलियो में अपने शामिल कर लेना चाहिए। चलिए दोस्तों और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे और ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स देख लेते हैं, जहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पे चार्ट पे नजर आ रहा है। दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग स्टॉक को डिटेल्स में यहाँ पे देखें तो यहाँ पे स्टॉक का पहला जो यहाँ पे रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है ऑलमोस्ट जो है 1,090 रुपए के आसपास, और यहाँ पे स्टॉक का सपोर्ट निकल के आ रहा है 918 रुपए के आसपास। तो दोस्तों यहाँ पे ये दो लेवल के बीच में स्टॉक यहाँ पे ट्रेड कर रहा है पिछले 2 महीने से बात करें, यानी कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, तो पिछले ऑलमोस्ट 3 महीने से स्टॉक इसी रेंज में चल रहा है। और अगर आप यहाँ पे एक जोन देखोगे तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे ये स्पेसिफिक जो है जोन देखोगे, जहाँ पे ये स्टॉक लगभग निकल के आ रहा है 1,060 रुपए के से ऑलमोस्ट 1,130 रुपए, दोस्तों इस जोन में जब भी यहाँ पे स्टॉक जाता है तो वहां पे स्टॉक को यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करते हुए स्टॉक देखने को मिलता है। उसी तरह से अगर हम लोग सपोर्ट की बात करें दोस्तों, तो जब भी स्टॉक इस जोन में आता है जो कि निकल के आ रहा है लगभग यहाँ पे 890 रुपए से लेके लगभग 940 रुपए, तो वहां पे स्टॉक सपोर्ट लेता है। तो दोस्तों अगर आप कंजर्वेटिव निवेशक हो तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इस जोन के आसपास कहीं बाय कीजिए, जिसका लगभग निकल के आ रहा है प्राइस 880 रुपए से लेके लगभग, इस प्राइस की बात करें तो ये प्राइस निकल कर रहा है लगभग 942 रुपीज। तो दोस्तों इस लेवल के आसपास अगर आपको स्टॉक मिलता है तो बेझिझक स्टॉक में निवेश कर सकते हैं। लेकिन करंट लेवल भी कोई बुरी लेवल नहीं है, यहाँ पे भी आप धीरे धीरे स्टॉक को एक्युमुलेट करने का सोच सकते हैं, लेकिन आपका नजरिया लॉन्ग टर्म होना चाहिए। दोस्तों जैसे कि हमने
कुछ पॉइंट चेक किए, कंपनी बढ़िया है, दमदार है, कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे हैं, कंपनी का टेक्निकल अच्छा है, पिछले 5 साल, 10 साल और 20-22 साल में कंपनी ने धमाकेदार रिटर्न दिया है, तो सारे मामले कंपनी दोस्तों बेस्ट यहाँ पे निकल के आ रही है। और जैसे कि मैंने बताया, स्पेशलिटी केमिकल ये एक बहुत ही धमाकेदार सेक्टर है, जहाँ पे आप लंबे टाइम के लिए निवेश करने के लिए सोच सकते हो। तो दोस्तों ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए आप जरूर निवेश कीजिए, एज वेल एज दोस्तों शॉर्ट टर्म के भी निवेश हो तो एंट्री अच्छी है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक कम से कम 1100 रुपए तक जाएगा, तो यहाँ से भी कम से कम आपको 10% अप मुझे स्टॉक पिछले अगले 2 महीने में कम से कम दे सकता है, इतना मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ। दोस्तों दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए आपको ये स्टॉक कैसा लगता है आरती इंडस्ट्रीज, प्लीज कमेंट कीजिए। दोस्तों इसी के साथ आप आपका खुद का एनालिसिस जरूर कीजिए और उसके बाद इस स्टॉक में निवेश करने के बारे में सोचिए। दोस्तों दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।